नमस्कार, बीसीए न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाने का, जहां पुलिस द्वारा लड़की भगाने के जुल्म में गिरफ्तार किए गए युवक की पुलिस कस्टडी में बैरक के अंदर मौत हो गई। इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से पहरे पर तैनात होमगार्ड भूलेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला कमांडेंट को सूचना दी। वही थानाध्यक्ष अरविंद पांडे सहित ASI शस्त्रजीत व मुख्य आरक्षी ब्रजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया। BCN न्यूज के लिए सुल्तानपुर से प्रमोद यादव की रिपोर्ट। थाना कुड़वार के ग्राम जगदीशपुर निवासी राजेश कोरी पुत्र संत राम कोरी, उम्र लगभग 35 वर्ष की, आज थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। आरोप है कि राजेश कोरी अपने ही पड़ोस की एक नाबालिग लड़की को के परिजनों के अनुसार भगा कर ले गया था, जिसके संबंध में उसकी तलाश की गई थी और लड़की को तथा राजेश कोरी को पुलिस द्वारा कल ही बरामद किया गया था तथा उनको थाना परिसर में रखा गया था। इस संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी अरविंद पांडे, उपनिरीक्षक शस्त्राजीत प्रसाद, मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार सिंह और को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और पहरे पे तैनात होमगार्ड भोलेंद्र के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्राचार किया जा रहा है। हापुड़ जनपद की हैंडलूम नगरी पिलखुआ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखुआ का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। वही केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र को बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वही जो अस्पताल लूट मचा रहे हैं उनके लिए टीम तैयार की जा रही है। तीसरी लहर की बात हो रही है, उसके लिए तैयारी चल रही है। अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन की ठीक तरीके से आपूर्ति हो सके तो जितने CHC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सबके अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। GS मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बड़ा प्लांट लग रहा है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक तरह से कराई जा सके। बच्चों के लिए जो बेड्स बनने हैं 100 बेड, ठीक है, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है ताकि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बच्चों की के इलाज का पूरा काम किया जा सके। और वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, खासकर ग्रामीण इलाके में, ताकि सब लोगों को का टीकाकरण सही तरीके से सही समय पर हो सके। सर, एक मामला सामने आया था कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो लूटपाट बता रहे हैं, मतलब कि देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के लिए जैसे गाजियाबाद में एक कमेटी बनी है, यहाँ पर भी एक कमेटी बन जाए। BCN न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। भागलपुर इसकाचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिटी SP पूरन झा बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब रखा हुआ है, जिसके बाद इसकाचक थाना के SHO अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और शिवपुर कॉलोनी में छापामारी की गई। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान सुजागंज के रहने वाले यदुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र गौरव उर्फ बंटी कुमार बताया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से सुजागंज के रहने वाले हैं और शिवपुर कॉलोनी में न्यू मकान बनाकर रहता था। इधर हिरासत में लिए गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, हमें जानकारी मिली थी कि शिवपुरी कॉलोनी में गायत्री मंदिर के पास किसी ने शराब का स्टॉक करके रखा हुआ है, उसी गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और शराब बरामद हुआ है। सर, लगभग कितना शराब? अभी काउंट करके आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर दे दिया जाएगा। लगभग 8-10 कार्टन शराब की बरामद हुई है। हाँ, एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट।
हमीरपुर जिले में पुलिस लाइन की फॉलोअर ने अपनी कॉलोनी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने फांसी पर लटका देख फॉलोअर को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने फॉलोअर को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल फॉलोअर को देखने पहुंची। SP नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चोट के कारण फॉलोअर रस पर चल रहा था। मामला हमीरपुर जिले की पुलिस लाइन का है। पुलिस लाइन में तैनात फॉलोअर ने अपनी कॉलोनी में सुना पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की नजर जब फांसी पर लटके फॉलोअर पर पड़ी तो उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने फॉलोअर को मृत घोषित कर दिया। मौत होने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने परिजनों से पूछताछ कर सांत्वना दी। फॉलोअर चोट लगने के कारण रस पर चल रहा था और 4 जून को आज उसकी ज्वाइनिंग होनी थी। आत्महत्या के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिजन भी पूछताछ में कोई विवाद नहीं बता रहे हैं। था इसकी उम्र करीब 30 वर्ष की थी, तो इसने आज अपने घर पर फांसी लगा लिया। तो इसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उतारा, इसे हॉस्पिटल लाया गया जहां इसे मृत घोषित कर दिया गया। इसको कुछ दिन पहले चोट लगी थी तो ये रेस्ट पर था, कल इसकी आमद। PCN न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खातेगांव में फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने SDM संतोष तिवारी पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। बताया कि SDM व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज और ऑफिस में बुलाकर गंदी हरकतें करने की कोशिश करता था। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर SDM संतोष तिवारी को खातेगांव से हटा दिया गया। वहीं देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने की जांच दल का किया गठन। फूड इंस्पेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अब देखना होगा कि एक महिला अधिकारी को दया दिलाने में कितना समय देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला लगाते है। प्रियंका अग्रवाल फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि SDM हम कनिष्ठ अधिकारियों के पालक अधिकारी हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये वल्गर मैसेज कर उत्पीड़न कर रहे हैं। ये संरक्षक नहीं भक्षक है। मैंने बहुत अधिक परेशान होने के बाद देवास कलेक्टर को मामला बताया। मेरे पास इनकी कॉल डिटेल और अश्लील व्हाट्सएप मैसेज सुरक्षित है। लास्ट 5-6 डेज से बहुत ही वल्गर मैसेज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर, कॉल्स पे गंदी गंदी बातें की जा रही हैं और मेरे रूम पर आने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं आपके रूम पर आ रहा हूँ 11:30-12 रात में, तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैंने अभी लास्ट दिन में कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, केस बनाए हैं, तो उस संबंध में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था। तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ संडे के दिन यहाँ पर बैठे थे ऑफिस में, पेपर वर्क कर रहे थे, तो तहसील में SDM साहब आए थे जबकि उनका कोई भी काम नहीं था। यहाँ से जाने के बाद वो अपने कैबिन में गए, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे ऑफिस आओ। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव किया, बहुत गंदे तरीके से टच किया जो कि पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में है। उसके बाद भी वो मुझे मतलब यहाँ एंड नहीं हुआ उनका। फिर वो मंडे को भी मुझे दोपहर में बोल रहे हैं कि मेरे कैबिन पे आइए, जो कल था वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी तो कुछ नहीं ऐसा, और आप घर नहीं जाओगे अपने, इंदौर नहीं जाओगे। जब मैंने सोमवार की रात में ये सारी चीज़, सोमवार की रात में फिर 11 मैसेज आता है मैं आपके रूम पर आ रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया। वो इंदौर से निकले, 3 मेरे पास आए। सुबह हमने SDM साहब से बात की मंगलवार को, तुरंत हम देवास कार्यालय कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब को सारी बातें बताई। कलेक्टर साहब ने अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप जो होता है अटैच किया है, आगे देखते हैं क्या एक्शन होता है। मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाए। अगर वो पूरे तहसील में, पूरे डिपार्टमेंट में हेड है और हम उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं, तो उनकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। अगर रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो फिर हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। मैडम, ये जो SDM है जिसके ऊपर आपने एलिगेशन लगाए हैं, क्या नाम है इसका? संतोष तिवारी जी। आपका पूरा नाम भैया? प्रियंका अग्रवाल, कनिष्ठ ठाकुर के अधिकारी। मैडम, ये कुल मिलाकर ये जो इस प्रकार का जो भी मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, कोई आपके ऊपर दबाव? नहीं, मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया कि इसको पॉलिटिकल दबाया जा रहा है। मेरे साथ जो भी वाकया हुआ मैंने अपने जिले के वरिष्ठतम अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय को बताया, और उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है यहाँ से उनको हटाकर, और मैं और एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले। मैडम, क्या हमें कुछ आप एविडेंस प्रोवाइड? हाँ बिल्कुल, मेरे व्हाट्सएप चैट कॉल रिकॉर्डिंग्स, जब उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग्स वाली बात की उनको, तो उन्होंने मुझे माफ़ी मांगा। मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो
बोल रहे हैं कि नहीं मुझे माफ कर दो, इसको ऊंचे लेवल तक नहीं ले जाइए, मुझसे गलती हो गई है और सारे व्हाट्सएप चैट है मेरे पास प्रूफ, और हमारे तहसील में जो कैमरे लगे हुए हैं सबसे बड़ा प्रूफ वो है। और जब मैं अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के पास गई, कैमरे वाले के पास गई, तो उसका ये कहना है कि एसडीएम साहब ने तो मुझे कल शाम को बुलाकर ही पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करवा दी। अच्छा हाँ, बीसीएन न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय ध्रुव के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। उज्जैन में आगामी वर्षा ऋतु और मॉनसून के दौरान जल आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए एसडीआरएफ मुख्यालय भोपाल से दो नई रेस्क्यू बोट जिला होमगार्ड उज्जैन को प्राप्त हुई। आज होमगार्ड द्वारा दो बोट का लोकार्पण का कार्यक्रम कराया गया है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय पाराजी जैन साहब के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और बारिश काल सामने है, ऐसे में उज्जैन और उज्जैन के आसपास की नदियों में कई बार ऐसी घटना घटती है जब जान पर बनाती है, ऐसे में ये बोट के माध्यम से जान बचाने का जो अभियान चलाया जाएगा उसमें बड़ी मददगार होगी। जिला प्रशासन ऐसे एडवांस में तैयारी करता, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। आज इसमें इसके साथ साथ बोटिंग के अलावा भी कुछ लोगों का प्रशिक्षण का तैराकी का कार्यक्रम भी चल रहा है। और उज्जैन ये सेंटर बनाया प्रदेश भर के लिए जहाँ पे अलग अलग प्रकार के होमगार्ड्स के जवान की ट्रेनिंग भी कराते हैं। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन के लिए बधाई। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाढ़ बचाओ ट्रेनिंग, उसके तहत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण संचालित है संभाग स्तरीय, तो पूरे संभाग के जिलों से जवान आए हुए हैं और उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे पीसीएस के द्वारा जिला सेनानी और कंपनी कमांडर के मार्गदर्शन में। इसी के तारतम्य में हमारे पास पूर्व से चार बोटें तो थी लेकिन दो बोटें हमें एसडीआरएफ जिला मुख्यालय से प्राप्त हुई है, तो उसका आज यहाँ पे लोकार्पण किया जाना था, उसका उद्घाटन किया जाना था, क्योंकि यहाँ पे बोट हैंडलिंग भी जवानों को सिखाया जाता है, तैराकी, डीप डाइविंग, ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। इसके तहत इनको मोटरबोट चालन की भी सिखलाई दी जानी थी, तो आज मंत्री महोदय के द्वारा उनका लोकार्पण करवाया गया। इसमें रतलाम, नीमच, शाहजहाँपुर, देवास, उज्जैन और क्या छोटा है मंदसौर, हमारे संभाग के सारे जिले। कितने लोग प्रशिक्षण? अभी तो चूंकि कोविड के चलते थोड़ी संख्या कम रखी गई है, 15-15 के ग्रुप में। इसके अलावा पूरे जिलों को भी हमने ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो लोकल स्तर पे भी अपने जवानों का साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें ट्रुप में, जैसे 12-15। ये लगातार, अभी अब तो बाढ़ आने को ही है, चूंकि कोविड चल रहा था इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज हमारे यहाँ मार्च अप्रैल से कार्यक्रम संचालित हो जाता है, तो इस बार थोड़ा डिले हुआ है। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।